हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रणवीर सिंह और आज का जो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं। बेसिकली हमारे दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक है आईपीवी वर्जन 4 और जो दूसरा है वो है आईपीवी, वी मींस फॉर वर्जन। आईपी दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इट इज अ रूल और रेगुलेशन व्हिच अलाउज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आईपी का मीनिंग यहां पे यही है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन बने हैं कुछ जिनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह डाटा कैसे ट्रांसफर होगा, किस सिस्टम पे जाएगा, वो सारा कुछ आएगा इन आईपी। जो हम आजकल बेसिकली प्रेजेंटली यूज हो रहा है वो है आईपीवी 4 और जो एडवांस लेवल में है वो है आईपीवी 6। तो आज मैं बेसिकली बात करूंगा IPv4 की, क्योंकि हम वो एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। IPv4 फर्दर आईपी एड्रेस से डिवाइड होते हैं क्लासेस में और इनकी क्लासेस की रेंजेस होती हैं। जैसे कि जो पहली क्लास है उसे भी कहते हैं हम लोग क्लास ए और इसकी जो रेंज होती है वो स्टार्ट होती है 1.0.0.0 से लेके 126.255.255.255। हमारे पास क्या होता है, जो हमारी पहली बिट होगी वो होती है हमारी नेटवर्क बिट, दैट मींस कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, और जो ये बाकी सिस्टम्स होंगे इसे हम कहते हैं होस्ट बिट। सेम एज अब क्लास बी में चलते हैं। क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी की रेंज होती है 128.1.0.0 से लेके 191.255.255.255। गाइस ये आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी है। ब्रॉडकास्ट आईपी सिस्टम टू सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए होता है। अगर एक नेटवर्क में सिस्टम जुड़े हुए हैं आपस में तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए 255 आईपी यूज करते हैं लास्ट में, जिसे हम ब्रॉडकास्ट आईपी कहते हैं, ताकि वो एक दूसरे की कनेक्टिविटी जान सके कौन सा सिस्टम किस नेट कहां पे प्लेस है। और इसमें जो क्लास भी होता है इसमें दो नेटवर्क बिट्स होते हैं, जैसे कि ये नेटवर्क बिट है इसमें दो ये नेटवर्क बिट होंगे और जो ये रिमेनिंग टू होंगे ये हमारे होस्ट बिट होंगे। यहाँ पर भी ये दो नेटवर्क बिट्स और रिमेनिंग टू होस्ट बिट। क्लास सी में हमारे पास होता है 191 से लेके .1.1.0 से लेके 223.255.255.255। और ये क्लास सी में हमारे पास तीन नेटवर्क बिट्स होते हैं और एक होस्ट बिट होते हैं। दैट मींस अगर हमें कोई सिस्टम इस आईपी के आगे जोड़ना है तो वो ऐसे होगा 191.1.1.1, नेक्स्ट वाला होगा 2, ऐसे 3, जो लास्ट होगा वो होगा 254 तक। 254 हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि दैट इज द ब्रॉडकास्ट आईपी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास आती है, बेसिकली हमारे पास ये सिर्फ तीन क्लास है जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, आगे भी इसकी फर्दर क्लासेस होती है वो मैं आपको बता देता हूं। दैट इज क्लास डी। क्लास डी हमारी होती है 224.1.1.0 से लेके 239.255.255.255। और क्लास फाइव होती है हमारे पास क्लास ई 240.0.1.1.1.0 से लेके 255.255.255। जो क्लास हमारी डी होती है वो बेसिकली यूज होती है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए, और जो हमारी क्लास ई होती है वो रिजर्व क्लास होती है, ये अभी यूज नहीं होती है। गाइस आप समझ गए होंगे इसमें कितने तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब हम इन्हें फर्दर भी डिवाइड होते हैं ये पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस में। अब वो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा, उसके लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।